बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, जवान हो, जो भी ये फूल गोभी खाएगा वो बस इसे खाता ही रह जाएगा। आज हम फूल गोभी की सब्जी नहीं बनाने वाले, बल्कि एक ऐसा चटपटा क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बनाएंगे कि आप किलो किलो गोभी तो बस ऐसे ही खा जाएंगे। क्योंकि आज जिस खास तरीके से हम इसे बनाएंगे उससे एक एक गोभी के फूल का स्वाद इतना बढ़ जाएगा कि आपके मुंह में जाते ही स्वाद का धमाका होगा। तो अगर आप भूल से भी गोभी से नफरत करते हैं तो इस रेसिपी के बाद आपको गोभी से मोहब्बत हो जाएगी। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, इट एम शस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कुरकुरी गोभी। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फूल गोभी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फूल गोभी के फ्लोरेट्स निकाले हुए हैं और मैंने इसको पानी में भी रखा है और फिर इसमें नमक डालकर इसको अच्छे से मिला रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि जितने भी जर्म्स होंगे वो निकल जाएंगे और गोभी अच्छे से साफ हो जाएगा। मैंने ये 250 से 300 ग्राम का फूल गोभी यूज़ किया है और इसके जो फ्लोरेट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हैं, मीडियम साइज के रखेंगे। और बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से नमक वाले पानी में रहने देंगे और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही ज़रूरी काम करेंगे जिससे कि हमारी जो गोभी है ये एकदम साफ हो जाएगी, उजली उजली हो जाएगी और इसी के साथ साथ इसके अंदर वो टेक्सचर आएगा जो कि इसके स्वाद को बहुत ही लाजवाब बनाएगा। अंदर से ये जूसी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कमाल इसका स्वाद आएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये जो गोभी के फ्लोरेट्स है इसको पानी से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसे एक पैन में, कढ़ाई में या जो भी बर्तन आप इसको बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसमें इसको इस तरह से रख लेंगे। फिर आप देखिए, ये मैंने दूध लिया है, ये लगभग 1/4 कप दूध है। और अब आप सोचेंगे कि गोभी के साथ दूध का क्या रिश्ता, तो यहाँ पर हम दूध के साथ गोभी को ब्लांच करेंगे जिससे कि जो गोभी है वो एकदम इसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर कई बार गोभी में अलग सी स्मेल भी आती है तो इस तरह से दूध का जब हम इस्तेमाल करेंगे, दूध के साथ इसको पकाएंगे तो वो स्मेल भी नहीं रहेगी और गोभी का स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा पानी भी डाल देंगे। फिर इसको हम सीधा गैस पर पकाएंगे। यहाँ पर हमें गोभी को दूध के साथ ब्लांच करना है और इस दौरान हमें इसको कवर नहीं करना है। मीडियम आंच पर हम इसको इस तरह से पकने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि जो गोभी है वो लगभग लगभग 40% तक कुक ना हो जाए। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं गोभी को इस तरह से पकते हुए और इतनी देर में जो दूध के नेचुरल फ्लेवर्स है वो गोभी ने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिए हैं और गोभी का कलर भी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। दूध में से निकाल कर के एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम एक दूसरा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1/3 कप दही, जो कि गाढ़ा और फ्रेश होना चाहिए। एकदम ज़्यादा बासी या खट्टा दही का यूज़ ना करें क्योंकि उससे टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा फेंट लेंगे जिससे कि इसमें मलाई के बड़े दाने नहीं रहेंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये फ्रेश क्रश क्या हुआ लहसुन 1 टीस्पून। मुझे इसमें खास तौर पर लहसुन का फ्लेवर चाहिए तो मैंने सिर्फ लहसुन लिया है, अदरक नहीं लिया है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन दोनों को क्रश करके ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर लगभग 1.5 टीस्पून, साथ ही साथ ये 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है मैंने। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 टीस्पून मिक्स इटालियन सीजनिंग। ये पिज्ज़ा हब में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ओरिगैनो का या पार्सले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर सिर्फ गर्म मसाला पाउडर भी डालकर आप इसको बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम सोया सॉस डालेंगे। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, ये डार्क सोया सॉस है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पर आप इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून ये वाइट विनेगर डाला है, जो सफ़ेद सिरका होता है हमने उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक डालेंगे ग्रीन चिली सॉस या फिर रेड चिली सॉस। और अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो फिर आप इसमें एकदम बारीक क्रश करके हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और इसके बाद डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि है नमक। तो ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब बस इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारे इस मैरिनेशन को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब इस मैरिनेशन में बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लोर का। तो ये मेरे पास ये 1/3 कप कॉर्नफ्लोर है। यहाँ पर आप कॉर्न स्टार्च का या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और लगभग 3 से 4 टेबल स्पून है ये। और इसी के साथ साथ गोभी को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम 3 टेबल स्पून डालेंगे चावल का आटा। तो ये देखिए चावल का आटा का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चावल का आटा नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाल सकते हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग 1 से 2 टेबल स्पून। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके एकदम अच्छा सा लिटपटा सा हम मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस मैरिनेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें कुछ इस तरह की रखनी है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो और ना ही एकदम सूखा सूखा सा हो, कुछ इस तरह का होगा तो गोभी के अंदर तक ये आराम से चला जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैंने ये हमारी दूध में पकाई हुई फूल गोभी के फ्लोरेट्स इसमें डाल दिए हैं और अब हाथों को साफ करके हाथों से इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये जो मेरिनेशन है वो अच्छे से एक एक गोभी के फूल पर कोट हो जाए और अंदर तक ये पहुंच जाए। तो ये देखिए इस तरह से करना है और हल्के हल्के हाथों से करेंगे। तो हमारा ये जो मेरिनेशन है वो एकदम परफेक्ट बना है। तो आप देखिए गोभी को इसने अच्छे से कवर कर लिया है और बिल्कुल। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको तलना किस प्रोसेस से है ताकि आपकी ये गोभी एकदम क्रिस्पी करारी हो जाए। इसे तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और गैस की आँच को हम मीडियम पर रखेंगे और इसे अच्छा सा गर्म होने देंगे। तेल को पहले अच्छे से गर्म करना है और फिर जो गोभी के फ्लोरेट्स है वो एक एक करके हम इसमें डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, पहले एक फूल को डालकर थोड़ा सा रुकेंगे और फिर बाद में एक और फूल डालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये एकाएक आपस में नहीं चिपकेंगे। और आपने जितना ऑयल लिया है उतना ही आपको पीसेस एक बार में डालकर फ्राई करने हैं। अगर आपने तेल ज़्यादा लिया है और फ्लोरेट्स कम डाले हैं तो ये बाहर से एकदम जल जाएंगे। और अगर आपने तेल कम लिया है और एक साथ सारी गोभी आप इसमें डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल को अब्सॉर्ब कर लेंगे, ऑयली हो जाएंगे। तो आपको इसे तलते टाइम इसी बात का ध्यान रखना है कि तेल सही से गर्म करें और एक बार में जितने पीसेस आए बस उतने ही आपको फ्राई करने हैं। इन्हें हम अच्छे से अलट पलट कर अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इन पर बहुत अच्छा कलर आ चुका है और हम इसको डबल फ्राई करेंगे जिससे कि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो पहली बार में हम इसका इतना कलर आने तक इसको तेल में से बाहर निकाल कर प्लेट पर रख लेंगे और दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। अब दोबारा से रीफ्राई वाला प्रोसेस करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ जिससे कि इसका स्वाद भी बढ़ेगा और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस बोल में काफ़ी सारा मैरिनेशन बचा हुआ है जिसको कि हमें वेस्ट नहीं करना है बल्कि इसको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो गोभी को फ्राई करके हमने निकाला है वो सीधा हम इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा से हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो अच्छे से एक एक गोभी के ऊपर दोबारा से कोट हो जाएगा, इसकी डबल लेयर आ जाएगी। और कभी अगर किसी गोभी के ऊपर कहीं पर कोई कोटिंग नहीं होगी तो वहाँ पर भी अच्छे से कोट हो जाएगा। अब बस हम इसे दोबारा से गरम तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तेल को हमें फिर से मीडियम आँच पर ही गर्म करना है। जब हम इसे दोबारा इस तरह से रीफ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो यहाँ पर इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है और काफ़ी ये क्रिस्पी हो चुके हैं। इसके मज़े को और बढ़ाने के लिए मैंने इसके साथ खाने के लिए कुछ हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लिया है। तो आवाज़ सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। मैंने बस इसके साथ ये हरी मिर्चों को रख दिया है और अब ये खाने के लिए तैयार है। तो हम इसको अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्राइड मसाला गोभी बनकर तैयार है खाने के लिए। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि जिस तरह से हमने गोभी को बनाया है उससे ये कितनी ज़्यादा अंदर से जूसी हो चुकी है। इसे देखते देखते मेरे मुंह में तो सच में पानी आने लगा है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, आपके मुँह में भी पानी आने लगा हो, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए इसे दूसरों के साथ और हमारे चैनल ई डी एमिशस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस मसालेदार गोभी का नाश्ता एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ई डी एमिशस।